हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में मैं लिस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लिस्ट के साथ मैं इसमें लिस्ट में इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग भी बताऊंगा। तो अगर आपने स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आप नहीं जानते हो तो इससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं स्ट्रिंग पे, मैं बोलूँगा एक बार जाके उसको देख लो, फिर स्ट्रिंग और स्लाइसिंग लिस्ट में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। लिस्ट क्या होता है, आप पहला डेफिनेशन देखो। लिस्ट आर ऑर्डर्ड सीक्वेंस दैट कैन होल्ड अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप। मतलब बहुत अलग अलग तरीके के डेटा आपको एक साथ रखने हो तो वहाँ पे हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, लिस्ट कैसे बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल दिया है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अपने सारे वैल्यू को लिखते हैं कॉमा लगा लगा के। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 का एग्जाम्पल हो गया, तो ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड, जैसे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग को सपोर्ट करता है, उसी तरीके से लिस्ट भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को सपोर्ट करता है। और मैं आने वाले जो 2-3 वीडियो हैं लिस्ट पे, उस पर मैं इसकी बात करने वाला हूँ। स्टार्ट आज ही कर दूंगा। इसके अलावा लिस्ट पे कुछ मेथड्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं थोड़ा सा कि ये है क्या, और उसके बाद हम इसको जुपिटर नोटबुक में रन करके देखेंगे। सो हमें अगर कोई भी लिस्ट बनाना है तो सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर सपोज कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करने हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट का रोल नंबर है 15, 16, 17, 18, 19, तो हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे स्टोर कर सकते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, और रोल नाम का एक वेरिएबल ले लो और इसमें लिस्ट को स्टोर कर लो, राइट। सो ये हमारा स्ट्रिंग क्रिएट हो गया। अब अगर हमें एक्सेस करना है किसी भी रोल नंबर को, सपोज पहला जो रोल नंबर है उसको प्रिंट करना है, तो बहुत सिंपल है, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लिस्ट का नाम लिखेंगे। लिस्ट का नाम क्या है, रोल नम, और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देखो जैसे स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है ना, जैसे जब मैंने स्ट्रिंग पढ़ाया था तो बताया था जैसे हेलो एक स्ट्रिंग है, सो पहले कैरेक्टर का इंडेक्स होता है 0, देन 1, 2, 3, 4। ठीक इसी तरीके से लिस्ट में भी हर एलिमेंट का इंडेक्स होता है। सो पहले एलिमेंट का इंडेक्स होगा 0, देन 1, 2, 3, 4। सो अगर पहला एलिमेंट हमें एक्सेस करना है 15, तो रोल नम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम देंगे 0। सो कंप्यूटर यहां पे क्या करेगा, 0 पे कौन सा कैरेक्टर है, 0 पे है हमारा 15, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 15। ये मैं कमेंट करके यहां पे साइड में लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर उसी तरीके से मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट हमारे लिस्ट का नाम क्या है, रोल नम, और अगर मैं इस पे इंडेक्स देता हूं 2, तो अब क्या प्रिंट करेगा, सो देखो यहां 2 इंडेक्स पे क्या है, 17, तो 17 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मुझे प्रिंट का लिस्ट का लेंथ जानना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए पाइथन ने एक फंक्शन दे रखा है len नाम का। सो len में हम अपने लिस्ट को पास कर देंगे, लिस्ट का नाम क्या है, रोल नम, और ये क्या करेगा, इसका लेंथ रिटर्न कर देगा। तो या तो इस लेंथ को आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लो और उसके बाद प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर दो, या फिर ये जो लेंथ फंक्शन है डायरेक्टली इसको हम प्रिंट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया ब्लैक बोर्ड पे कि लिस्ट क्या होता है, उसके एक एक एलिमेंट को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा उसका लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ। सपोज किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, उसको हमें स्टोर करना है। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर है 20, स्टूडेंट का नेम है अनुज, स्टूडेंट का स्कूल का नाम है SJD, और वो VNS सिटी में रहता है। तो इस डेटा को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, स्टूडेंट लिस्ट नेम हो गया हमारा, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। सो पहला क्या है, रोल नंबर 20, कॉमा दूसरा क्या है, नेम, तो नेम क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो सिंगल कोटेशन में होगा या डबल कोटेशन में, सो अनुज, अगेन कॉमा, तीसरा स्कूल नेम वो भी स्ट्रिंग है सो सिंगल कोटेशन में SJD, कॉमा नेक्स्ट क्या है, VNS, ए भी स्ट्रिंग है तो ए भी सिंगल कोटेशन में VNS, राइट। इसके अलावा इसमें हम पॉइंट वाले वैल्यू, बुलियन वैल्यू, ये सब भी स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे हमें इसका स्टूडेंट का सिटी प्रिंट करना है तो बहुत सिंपल है, लिस्ट नाम क्या है, स्टूडेंट, देन स्क्वायर ब्रैकेट में VNS का इंडेक्स क्या होगा, 0, 1, 2, 3, तो इस क्या पास कर देंगे, 3। अब इसको अगर हमें प्रिंट करना है तो इसको प्रिंट में लिख दो, प्रिंट कर देगा। तो ये तो हमने ब्लैक बोर्ड पे देख लिया। अब सेम चीज को हम देखते हैं,
हमारे जुपिटर नोटबुक में। आई होप सबको पता होगा जुपिटर नोटबुक क्या है, अगर नहीं पता सो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस हैं, जाके देख लो कि जुपिटर नोटबुक को कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसमें प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ स्टूडेंट नाम का, सो स्टूडेंट, और इसमें मैं सपोज स्टूडेंट का रोल नंबर है 20, स्टूडेंट का नेम है, नाम है अनुज, एंड स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स है 63.45। और क्या स्टूडेंट, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ओके, कि क्या स्टूडेंट इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा। तो सपोज इसकी इस आंसर है ट्रू, हाँ है, ठीक। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि हम बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट का क्या क्या डिटेल है, उसका रोल नंबर है, देन उसका नाम है, उसका मार्क्स है, और क्या स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, इसका आंसर ट्रू, हाँ है। तो ये हमारा लिस्ट हो गया। अब अगर इस लिस्ट में से अगर हमें इस लिस्ट को प्रिंट करना है, सो सिंपल प्रिंट, और फिर उसके बाद क्या देंगे हम, स्टूडेंट। देखो लिस्ट को प्रिंट कर दिया। अब जुपिटर नोटबुक की एक खासियत है कि इसमें प्रिंट फंक्शन हम ना यूज करें, सिर्फ वेरिएबल नेम लिख दें स्टूडेंट, तब भी उसकी वैल्यू हमें आउटपुट में दे देगा नीचे, ठीक है। सो इंडेक्सिंग का यूज कैसे कर सकते हैं, सपोज हमें सिर्फ स्टूडेंट का नेम प्रिंट करना है, तो स्ट्रिंग का नाम क्या है हमारा, स्ट्रिंग का नाम है स्टूडेंट, सॉरी लिस्ट का नाम है स्टूडेंट, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब स्टूडेंट का जो नेम है अनुज, उसका इंडेक्स क्या है, देखो 1 है, 0 पे 20 है और 1 पे अनुज है, तो क्या पास करेंगे, 1। रन करते हैं, देखो आ गया अनुज। अब तुम सोच रहे हो मैंने यह प्रिंट तो किया नहीं है तो आउटपुट कैसे आया, सो अगेन बता चुका हूँ, जुपिटर नोटबुक में अगर हम प्रिंट ना करें तब भी वैल्यू आउटपुट हमें दे देता है, तो तुम चाहो तो यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो, राइट। ये देखो आउटपुट सेम आया अनुज। उसी तरीके से क्या वो इंटेलिजेंट है, इसका आंसर क्या है, इसको मुझे प्रिंट करना है, तो सिंपल क्या होगा, प्रिंट, और फिर हमारे लिस्ट का नाम, सो लिस्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट, देन स्क्वायर ब्रैकेट में, अब देखो ट्रू का इंडेक्स क्या है, 20 का इंडेक्स 0 है, अनुज का 1, 63.5 का 2 एंड ट्रू का 3, तो मैं दे दूंगा यहाँ पे 3। एक और तरीका है, अगर ओके नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर बात करूंगा, नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि हमारा लिस्ट क्या होता है, लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और लिस्ट के एक एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, लास्ट लिस्ट का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया उसके लिए len फंक्शन, len में मैं पास कर देता हूँ स्टूडेंट। अब अगर इसको नॉर्मली मैं रन करता हूँ, देखो आ गया 4, मैंने प्रिंट नहीं किया, अगर प्रिंट मैं करना चाहूँ सो प्रिंट, और यहाँ पे मैं दे दूंगा len और इसमें वैल्यू पास कर दूंगा स्टूडेंट, ये देखो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर हम चाहें तो किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे l असाइन विथ len एंड देन इसमें क्या पास कर देंगे, हमारे लिस्ट का नाम स्टूडेंट। अब अगर प्रिंट करना है सो प्रिंट l, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। सो ये हमारा वीडियो था लिस्ट पे। अगले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि लिस्ट कहाँ पे यूजफुल है और लिस्ट में इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या होता है। इंडेक्सिंग तो मैंने कुछ हद तक अभी बता दिया, और अगले वीडियो में मैं स्लाइसिंग पे बात करने वाला हूँ, और उसके बाद हम लोग लिस्ट के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि आगे के वीडियो मिस ना करो। थैंक यू।